आईसीएस क्लास टेंथ में अगर कोई एक सब्जेक्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एग्जामिनेशन में मार्क्स स्कोरिंग पॉइंट के हिसाब से है या मार्क्स अवार्डिंग पॉइंट के हिसाब से, यानी स्टूडेंट के लिए और टीचर के लिए, तो वह है ज्योग्राफी का, क्योंकि यह क्वेश्चन पेपर तीन पार्ट में बटा होगा, टोपोग्राफी, मैप और थ्योरी का पेपर। 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट को मैं अलग कर दे रहा हूँ कि 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट को सभी सब्जेक्ट में होंगे। इस पेपर को कैसे डील किया जाए, क्योंकि अगर इस पेपर को अगर डील नहीं करते हैं तो डिफिकल्ट होगा। आपको सबसे पहले सीआईएससी का सिलेबस समझना होगा कि चैप्टर वाइज सीआईएससी ने कितने चैप्टरों को दे रखा है, जिसमें से आपको कौन से 5 चैप्टर है पढ़ने हैं, बाकी सब चैप्टर को छोड़ने हैं, ये डिसाइड स्टूडेंट अपने हिसाब से करेंगे। इसके बाद प्रत्येक चैप्टर के वैल्यू पॉइंट को आपको याद करने होंगे। वैल्यू पॉइंट बोले तो प्रत्येक चैप्टर में कुछ न कुछ स्पेशलिटी है जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे हैं। यह क्वेश्चन पेपर नेचर वाइज दो तरह के होंगे, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। 16 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, रेस्ट मार्क्स आउट ऑफ 80 सब्जेक्टिव होंगे। तो वैसे में ऑब्जेक्टिव के लिए ये वैल्यू पॉइंट्स काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं प्रत्येक चैप्टर से। अब जिन चैप्टरों को आपने बढ़िया से पढ़ रखा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको कोई 5 ऑप्शन नहीं मिलने जा रहे हैं, वहां पर आपको लगभग सभी सब चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखने होते हैं। चैप्टर एट ए ग्लांस देखते हैं तो आपको चैप्टर का आउटलाइन भी बनाना होगा कि आखिर, जैसे मैप का चैप्टर है, मैप में किस तरह से मैप ऑफ इंडिया है इसको डील कर रहे होते हैं, या सॉयल ऑफ इंडिया है, फिर सीजन है, तो इन सब को यदि आप ध्यान से न देखते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों नेचर के क्वेश्चन हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? और जब इन सब चैप्टरों का एक आउटलाइन देख लेते हैं तब जाकर पता चलता है कि स्टूडेंट को पढ़ने हैं सबसे पहले टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी में 45/7 एंड दो ही तरह के मैप है। टोपोग्राफी के अंतर्गत जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है उसको आपको देखने, 20 मार्क्स के टोपोग्राफी होते हैं, और यह मैप के अलावे का है, 10 मार्क्स का मैप होगा, फिर आपको 15 मार्क्स के थ्योरी पेपर जिसमें ऑब्जेक्टिव शामिल होंगे, तो वहां पर डिफिकल्टी लेवल होगा ना। अब इसमें मैप किस तरह के आएंगे, उसके क्वेश्चन किस तरह के रहेंगे, आंसर कौन कौन से होंगे, कितने वर्ड में क्या आंसर देने हैं, यहाँ पर आपको जिस तरह से मेंशन किए गए यही करने होते हैं। टू द पॉइंट जब आप इसको कर लेते हो तो देखेंगे कि मैप ऑफ इंडिया के आधार पर सॉयल है, या फिर जितने भी स्ट्रक्चरल है, या सॉयल हो गया, माउंटेन हो गया, सीजन हो गया, क्रॉप्स हो गए, ये सारे हैं, मिनरल्स हैं, तो वहां पर भी आपको देखने होंगे। अब मैप की प्लॉटिंग कैसे करें, तो मैप की प्लॉटिंग के लिए देख लीजिए जिस तरह से क्वेश्चन दे के पूछे जाएंगे, उसके आंसर को देने के लिए आपको इस तरह से वन लाइन आंसर लिखने होंगे। 10 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 10 आंसर लिखने हैं, 8 आंसर भी आ सकते हैं, तो उसमें आपके 8 क्वेश्चन होंगे, लेकिन अभी 10 की बात की गई है, 10 मार्क्स के होंगे। जब आप टोपोग्राफी के अंतर्गत मैप को देखते हैं तो इस तरह के जो मैप होंगे, तो इस बार प्रेडिक्टेड है 45/7 से ही मैप रहेगा, 100% गारंटेड, बहुत सारे टीचर कह रहे हैं, तो ये पर्सनल थॉट और आइडिया है। इसको इसके लिए आप जब अपने टोपोग्राफी के बुक में इस तरह के मैप को देखते हैं तो इनका प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ लीजिए कि फिजिकल टेरेन क्या है और बाकी सारे जो नेचर है। और यदि आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं, काफी सस्ता है और इस समय 50% डिस्काउंट पर अमेजोन पर अवेलेबल है, तो उसको भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना नट सेल सभी कुछ दिए गए हैं। तो इस वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।